दोस्तों, वॉरेन बफे के कोर्स तो आपने बहुत पढ़े होंगे, इनसे आपको मोटिवेशन भी बहुत मिलती होगी। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, इन मोटिवेशनल कोर्स के द्वारा दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इनको कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर्स तो हम पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंटेशन, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो वो कैसे करना है वो हम नहीं कर पाते। दोस्तों, आज का वीडियो इसी के बारे में है, तो हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे सोचते थे और कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे, और ताकि हम भी वो कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, वॉरेन बफे सर क्या बोलते हैं। आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। तो उनका कहने का मतलब है कि 11 साल में मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया और जो 10 साल थे वो मैंने वेस्ट कर दिए। तो उनको 11 साल में ये समझ आ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है जिससे आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये उनको 11 साल में समझ आ गया था। और 11 साल में दोस्तों, आजकल के बच्चे चिप्स कुरकुरे के पीछे ही पड़े रहते हैं। और वॉरेन बफे सर ने यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट का स्टॉक भी खरीद लिया था। जी हाँ दोस्तों, और आज भी वो स्टॉक होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में डिस्कशन होगा कि हम कैसे इनके कोर्स को अपनी लाइफ में, अपनी इन्वेस्टिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक वीडियोस हमारे पुराने वाले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उनका पहला रूल क्या कहता है और पहला कोटेशन क्या कहता है कि नेवर लूज मनी। और रूल टू क्या कहता है दोस्तों उनका, नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो पहला क्या है उनका, नेवर लूज योर कैपिटल। और ये कैसे आप इसको सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस, अच्छी कंपनी खरीद कर। तो आप उससे में क्या होगा दोस्तों, आपकी कन्विक्शन रहेगी तो आप एक अच्छी कंपनी खरीदेंगे और उसको आप पेशेंटली होल्ड करेंगे, तो आपकी मनी कभी लूज नहीं होगी। और दूसरा रूल ये है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन, कि कभी भी ऐसे स्टॉक को मत खरीदना जिसमें आपकी कन्विक्शन ना हो और आप उसको होल्ड करने से कतराएं। तो दोस्तों, यह है पहला कोटेशन जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। चलिए दोस्त दूसरे पर बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों क्या कहते हैं वो, द स्टॉक मार्केट इज़ ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, जिसको पेशेंस नहीं है दोस्तों, वो मार्केट में ज़रूर लूज़ करेगा पैसा। तो अगर आप एक स्पेक्यूलेटर हैं, इन्वेस्टर नहीं है, तो मे बी आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर आप दोस्तों जितना पैसा कमाया है वो सब गंवा देंगे। और ये आप मार्केट में देख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तो देखा हुआ है। स्पेक्यूलेटर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक दिन ख़राब आता है और सारा सारा पैसा गंवा देते हैं। तो दोस्तों, पेशेंस इज़ दी, यहाँ पर पेशेंस ही की है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे बिजनेस, अच्छी वैल्यू खरीद के, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो आपको ज़रूर वेल्थ क्रिएट करके देगा। दोस्तों, यहाँ पर हो गया दूसरा, आप चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये दोस्तों है, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब अगर आप वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिनकी आपको ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी लाइबिलिटीज़ मत खरीदिए, एसेट्स खरीदिए। एसेट्स हमेशा आपकी अप्रिशिएट होंगी, लाइबिलिटीज़ हमेशा आपकी डिप्रिशिएट होंगी। तो ये उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदिए, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको मत खरीदिए। नहीं तो आपको ऐसा टाइम भी देखने को मिल सकता है जब आपको ज़रूरत की चीज़ें बेचनी पड़ जाएँ। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है सर का कि आप सेव कीजिए एंड इन्वेस्ट कीजिए। तो ये दोस्तों था इनका एक कोटेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ओन ए स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जो आपको कन्विक्शन दे कि आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर वो आप नहीं सोच सकते, तो आप किसी स्टॉक को परचेज़, किसी बिजनेस को परचेज़ मत कीजिए, नॉट इवन फॉर 10 मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको जो भी कुछ ख़रीदना है उसमें कन्विक्शन होनी चाहिए आपकी, ताकि अगर मार्केट 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तब भी आप चैन की नींद सो पाए, क्योंकि आप सोचेंगे जब मार्केट खुलेगा तो ये कंपनी ग्रोइंग और ग्रो कर चुकी होगी, मेरा मनी को अप्रिशिएट कर चुकी होगी, मेरे स्टॉक प्राइस को अप्रिशिएट कर चुकी होगी। तो यही वो कहते हैं कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अच्छी कंपनी खरीद के चैन की नींद सो जाइए और आपकी स्टॉक अप्रिशिएट होता रहेगा। अगर आप में वो कन्विक्शन नहीं है तो 10 मिनट के लिए भी आप मत सोचिए कि वो स्टॉक आप खरीदेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। अब इसको दोस्तों हम पिछले कोर्स से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को 10 साल होल्ड कर सकते हैं, तो आपकी कन्विक्शन होती है उसमें कि मैंने अच्छा बिजनेस, अच्छा स्टॉक खरीदा है,
तो आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। लेकिन अगर आप वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग, तो आप दिन भर या फिर जब भी आप सोच में, हमेशा सोच में डूबे रहेंगे कि क्या होगा मेरी कंपनी का, बिज़नेस का, तो ऐसे में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत कम है। तो आपको, जैसा हमने पिछले में कहा था, पिछले कोटेशन में सर ने कहा था कि 10 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, आप वैसा ही कुछ बिज़नेस खरीदिए या फिर स्टॉक खरीदिए, वरना 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। तो यही वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं हम, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। यहाँ पर दोस्तों इनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है दोस्तों, समवन इज सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री लॉन्ग टाइम अगो। इसका मतलब है दोस्तों, किसी ने एक बीज उगाया था कई साल पहले आम का, और कई साल बाद उसमें फल आया है दोस्तों, आम आपको कई साल बाद उसका मिला है। तो इसका मतलब है पेशेंस। जैसा कि पेशेंस दोस्तों एक ऐसा हथियार है स्टॉक मार्केट में, इसको कोई बीट नहीं कर सकता दोस्तों। पैशन इज पैरामाउंट, पेशेंस इज पैरामाउंट। यस दोस्तों, पेशेंस रखोगे तो आपका अच्छा बिजनेस है तो आपको ज़रूर वो एक फ्रूट ज़रूर आपको मिलेगा उसका। आपको बस पेशेंस रखना है और कुछ नहीं, बस पेशेंस इज द की। आपको बस इन्वेस्ट करना है अच्छे एसेट में एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, कीप पेशेंस एंड यू विल गेट द फ्रूट आउट ऑफ इट। तो ये है दोस्तों इस कोटेशन का मतलब। चलिए अब आगे देखते हैं। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। जी हाँ दोस्तों, तब सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट खुद पे हो सकती है, यानी आप जितना पढ़ेंगे और उतना अर्न करेंगे। मतलब कि आप जितना नॉलेज ले सकते हैं मार्केट में लीजिए और पेशेंस से उसको होल्ड कीजिए, आपकी वेल्थ डेफिनेटली बनेगी दोस्तों। ये दोनों नॉलेज और पेशेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने कुछ भी खरीद लिया, तो पेशेंस दोस्तों आपका कुछ काम का नहीं है। और आपके पास अगर पेशेंस नहीं है और आपने गलती से अच्छा स्टॉक भी खरीद लिया, तो आप ज़रूर उसको लूजिंग साइड में बेच देंगे। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है, नॉलेज और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है वेल्थ बनाने के लिए। यहाँ पर वो कहते हैं अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, तभी आपको जम के कमाई होगी, आपकी वेल्थ बनेगी। तो दोस्तों ये था इसका मतलब। आगे देखते हैं दोस्तों। इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। दोस्तों आपको पता ही होगा, वॉरेन बफे सर ने मोस्ट ऑफ दी अपनी 90% ऑफ दी जो वेल्थ है वो अपनी लेटर एज में उन्होंने क्रिएट की है। वो 50 साल के बाद उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई है दोस्तों। तो उन्होंने 11 साल से कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 50 साल के बाद दोस्तों वो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन की कैटेगरी में, लिस्ट में आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 50 साल वेट किया, देन अब 50 साल के बाद दोस्तों उनको कुछ नहीं करना था, बस वो सो रहे थे और उनका जो एसेट्स थे, जो उनके पास स्टॉक्स थे, वो उनको डिविडेंड्स इनकम आ रही थी उनके पास कंटिन्यूस, और उनके शेयर अप्रिशिएट हो रहे थे डे बाय डे, उनकी वेल्थ बढ़ती जा रही थी डे बाय डे। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए और जितना जल्दी हो सके उतना करिए, ताकि आप रिटायरमेंट के टाइम चैन की नींद सो पाएँ और आपका पैसा बनता रहे, आपको कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन पॉइंट है, स्टार्ट अर्ली एज यू कैन। मतलब जितना जल्दी आप इनके प्रिंसिपल्स को, इनके कोटेशंस को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगे, उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लोग इसको इग्नोर करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्केट। मतलब कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह मत डालिए, इससे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। एक सेक्टर में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, एक एसेट में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अपने एसेट एलोकेशन कीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आता दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत डिटेल में पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वो यही कहना चाह रहे हैं कि डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब एक बास्केट में सारे एग्स मत रखिए, वरना बास्केट गिरी तो सारे एग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में और अपनी इन्वेस्टिंग में। तो आप ये समझिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं सर। इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मतलब कि
एक वंडरफुल कंपनी को फेयर प्राइस में खरीदना बहुत बढ़िया है कि एक फेयर कंपनी को वंडरफुल प्राइस में, मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी आपको फेयर प्राइस में मिल रही है तो उसको खरीद लीजिए, ना कि एक ठीक ठाक सी कंपनी आपको वंडरफुल प्राइस में मिल रही है उसको उसके बजाय। तो यहाँ पर आप इससे आप एक चलिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जब मार्केट यहाँ पर गिरी कोविड के टाइम पे, तो बहुत सारी जो वंडरफुल कंपनीज थी बहुत ज़्यादा अच्छे अपने अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रही थी, तब आपको उनको ख़रीदना चाहिए था। जैसा कि वो कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज़ ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज़ फियरफुल। तो यहाँ पर उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि आपको अच्छी कंपनी दोस्तों कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको उनको एक्यूमुलेट स्टैगर्ड वे में ख़रीदना चाहिए, मतलब कि जब सब डर रहे हो तो आप उसमें खरीदिए और जब सब खरीद रहे हो तो आप डरिए। तो इसका कहने का मतलब ये है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक ठीक ठाक सी कंपनी आप सोचते हैं, कन्विक्शन दोस्तों जैसा मैंने कहा कन्विक्शन होना आपका बहुत ज़रूरी है। कन्विक्शन नहीं है तो आप हमेशा आपका रिस्क बना रहेगा, आप टेंशन में रहेंगे, आप चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो ये था दोस्तों जिसको मैं भी इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में। मैं कोई कंपनी ख़रीदता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको टॉप पे ख़रीद लिया। कई लोग आपसे बोलते हैं कि अच्छी कंपनी है, बहुत लार्ज कैप है, मार्केट लीडर है, अब इसको बस ख़रीद लीजिए, आप भी अब चल रही है अपने 52 वीक की हाई हाई पे चल रही है और आप उसमें 1-2 लाख रुपए लगा रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मार्केट के नए नियम हैं तो आपको इनको ज़रूर अपने, देखो दोस्तों ऐसा है कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, हमेशा अपने स्ट्रेटेजीज़ को चेंज करना चाहिए, आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में क्या नया चल रहा है उन पर। जैसे कि आपको पता है नॉलेज, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, नॉलेज लेते रहिए और आप सीखते रहेंगे। तो दोस्तों ये मैं बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करता हूँ मैं कभी भी, हमेशा फंडामेंटल्स तो हैं, उसके साथ साथ मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम चैनल पे आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी कौन से वैल्यूएशंस पे कौन से प्राइस पे ख़रीदनी चाहिए, जो कि हर कोई डिस्कस नहीं करता। हालांकि सर हालांकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप कंपनी को किसी भी प्राइस पे ख़रीदिए वो आपको ज़रूर अप्रिशिएट होगी, लेकिन अगर उसमें क्या है दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। जैसे मान लीजिए आपने कोई अच्छी कंपनी ख़रीदी, आपने एकदम टॉप पे ख़रीद लिया, आपको 10 साल लगेंगे पैसे बनाने में, लेकिन आपने एक अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे ख़रीदी तो हो सकता है आप 6 साल में पैसे बना के निकल जाएं, जहाँ पर आप 10 साल में बनाते हैं। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी होती है, इसको हम आगे वाले अपने आने वाले वीडियोज़ में अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये एक कोटेशन था, दोस्तों ये थे सर के कुछ कोटेशन, 10 कोटेशन आज मैंने लिए हैं, तो आप आई होप आपको समझ आए होंगे, आप इसको ज़रूर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये दोस्तों ये चैनल हमने इसीलिए बनाया था कि हम एक रिटेल निवेशक को एक इन्वेस्टर बना सके। आजकल दोस्तों लोग ट्रेडिंग में फ्यूचर ऑप्शंस में बहुत जाते हैं, लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस एक डिस्ट्रक्टिंग मशीन है जो आपको हो सकता है 2 महीने में आपको लखपति बना दे, लेकिन दोस्तों आप जब 61वें दिन मार्केट में जाएंगे और आपकी किस्मत ख़राब हुई तो वो आपको हो सकता है कि वो पूरे 1 लाख रुपए प्लस आपकी कुछ ना कुछ आपका बहुत लॉस में करके जाए। दोस्तों आपको समझना होगा, आपको एक इन्वेस्टर बनना है ना कि एक स्पेक्यूलेटर या फिर ट्रेडर। दोस्तों ये एक आज का वीडियो था हमारा, मोटिवेशनल वीडियो, इसको आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल के साथ बने रहिए, आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा धमाकेदार होंगी और नॉलेजेबल होंगी। तो दोस्तों आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।